सेना द्वारा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने पर कन्नौज में लोगों की खुशी की लहर, जगह जगह आतिशबाजी कर पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। वहीं लोगों ने जमकर सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि अभी तो पुलवामा हमले के घाव पर ये केवल मरहम है, अभी घाव भरना बाकी है। लोगों का जोश देखने बन रहा था। वहीं पुलवामा हमले में कन्नौज के शहीद की मां सरोजनी देवी ने कहा कि हमारे देश की फौज ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हमारे दिल को बहुत ठंडक पहुंची। शहीद प्रदीप के पिता अमर सिंह ने सेना और सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि बदले को महसूस कर रहा हूं, हम संतुष्ट हैं। की घटना के बाद पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जनता के अंदर ये आक्रोश भरा हुआ था। आज वायुसेना ने, आज हमारी वायुसेना ने जाकर के हमला करके उनको तबाह किया है। ये आज कुछ न कुछ पूरे देशवासियों को कहीं न कहीं इससे तसल्ली मिली है और अभी और भी आगे इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए और एक बार इस तरीके की व्यवस्था हो कि दोबारा उनकी हिम्मत न पड़े कि हिंदुस्तान तरफ देखें भी। अंतर्गत जो आतंकवादियों के इन्होंने जो घटना की पाकिस्तान की तरफ से, हम लोग उसको मुर्दाबाद कहते हैं और उसकी तरफ हमारा ये है कि जैसा अभी हमारी सेना ने जो जवाब दिया है इसका इसी तरह से उनको जवाब बराबर मिलता रहेगा और वो इससे हमारे हमें हम लोगों को काफी तसल्ली हुई है कि हमें हमारे देशवासियों के लिए इन्होंने कुछ काम किया है, ये अच्छी बात है। उन्होंने अच्छा काम किया है, सेना ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया है, चाहे शासन के आदेश से किया हो या अपनी मर्जी से किया हो, ऐसा सेना को बहुत बहादुरी देनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा किया है तो उसको भी धन्यवाद देना चाहिए। ये जो मैं अगर पाकिस्तान भाई जो आतंकवादी मरते हैं तो क्या मतलब उस पर क्या आप लोगों को मतलब अपने पुत्र का बदला, बदले को महसूस करता हूँ कि बदला लिया है, उससे हम संतुष्ट हैं। हमारी देश की जो फौज ने पाकिस्तान पर हमला किया है तो हमारे दिल को बहुत ठंडक मिली है।